मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खरीत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। जो मेरे बहन भाई दुख तकलीफ में, तो अल्लाह ताला उनकी दुख तकलीफ को जो है दूर करें। इसी नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, दूसरा दिन है माशाल्लाह से। अभी तक हम बाजी के आए हैं और मैंने सोचा आप व्यूअर्स को जो है बाजी का गाँव दिखा दूँ अच्छे तरीके से। तो आप देख रहे होंगे कि ये सारा रेगिस्तान है, टिब्बे ही टिब्बे हैं, और ये सरकारी ज़मीन है जहाँ पे इन्होंने बस्ती बनाई हुई है। तो मेरी सिस्टर भी यहीं रहती है, तो सब लोग जो है यहाँ पे रहते हैं। और साथ ही निक्की जी ट्यूबवेल है, छोटी सी ट्यूबवेल है। तो इधर देखिए, इस नाम से भी आपको सारा रेगिस्तान ही नज़र आएगा। और ये मोटर जो है सारा दिन ही चलती है ट्यूबवेल, जहाँ पर बच्चे बड़े सब नहाते हैं। आप पीछे देख रहे होंगे कि आपको यहाँ सिर्फ खजूर के दरख्त नज़र आएंगे, और इस इलाके में जो है खजूर सबसे ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो है व्यूअर्स, खजूर अभी पकने वाली है। अगर दिल की रही तो आप व्यूअर्स को दिखाऊंगा कि खजूर कैसी कैसी पक के तैयार है। और बेगम सिस्टर वो नहा रहे हैं, मैं भी अगर पानी चेक करता हूँ कितना ठंडा है। पानी जो है बहुत नीचे है, हमारे से कुई की गहराई कम से कम 150 फुट नीचे है। देखें और उस पर जो है पानी ऊपर आ रहा है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे नल का और कोई भी चेक करना होना बहुत महंगी पड़ती है। अभी यहाँ पे जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ पर कुछ ऊपर है, लेकिन जब हमारी तरफ हमारे इलाके की तरफ जाओ ना, वहाँ पर पानी काफ़ी पानी काफ़ी ठंडा है। मैंने आपको भेजा है कपड़ा लेने के लिए, काफ़ी गर्मी भी है, इसी वजह से जो है थोड़ा सा कमजोरी फील हो रही है। क्या करो, कान में पानी चला जाएगा। आयत
तो भी बस गर्मी में जो है ट्यूबवेल पे नहाने का बहुत मज़ा आया। वैसे तो हमारे पास भी टूलिंग है, लेकिन इस ट्यूबवेल का पानी जो है ना, यकीन माने बर्फ़ से कम नहीं है, बहुत ठंडा है। और वैसे तो हम जो है प्रोग्राम एक दिन का बना के आए थे कि एक दिन हम रहेंगे बाजी के यहाँ, तो बाजी जो है अभी मूड ऑफ करके खड़ी हुई है कि आप जो है हमारे यहाँ कल का आज का दिन भी रहें, तो क्या करें, मजबूरी है। पीछे जो है आपको तो पता है काम काज काफ़ी होते हैं, अम्मी अबू अकेले हैं, तो घर में सामान देखभाल, आया गया मेहमान उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है। तो आमना जो है आप हमारे साथ जा रही है, मेरी सिस्टर को कह रहा हूँ कि आपने एक दो दिन बाद आना है, क्योंकि ये ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो बस ये ऐसे सोती रहती है। मैंने कहा आप सोचा ना करें, रिस्क देने वाली रब की ज़ात है। तो चले भैया आ जाओ, आवन भला थी भी आओ दुल्लू आओ। अच्छा ठीक है भाजी है तो भी बस सफ़र जो था वहाँ से बहुत ज़्यादा था। देखें एक छोटा सी सड़क बनी हुई है, यहाँ से रश्का नहीं जा सकता, और रश्का जो है आपने इसी सड़क के नज़दीक रोका हुआ था, तो अब जो है तैयार हो चुके हैं। मैं आगे बैठ जाता हूँ, चलें भाई गर्मी है।